ये मेरी सारी अर्निंग है, मुझे यहाँ पे $25 आ रहे हैं रोज के, ठीक है, फिर $29, फिर इसी तरह 30, फिर $34 आ गए हैं, ठीक है, एक दिन के, यानी रोजाना के बेस पे एक दिन आते हैं $24, फिर कभी 22 आ जाते हैं, कभी 29 आ जाते हैं। इस हवाले से अगर $30 एक दिन की हो तो तकरीबन बन जाते हैं ₹9,000, ठीक है, अगर एक दिन के 27 28 डॉलर हो तकरीबन 6 7 हजार बआसानी बन जाते हैं, और ऐसे आपको इसी कॉपी पेस्ट के काम से आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक ने भी अब पाकिस्तान में लोगों को पैसे देना शुरू कर दिए हैं। आप लोगों ने सिंपल सा कॉपी पेस्ट का काम करना है फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक खुद आपको पैसे देगा। आप लोगों ने कोई क्लाइंट नहीं ढूंढना, आपने किसी और के पास नहीं जाना, फेसबुक बजाते खुद आपको पैसे दिया करेगा। और मजे की बात, काम आपने एक करना है कॉपी पेस्ट का, इसी कॉपी पेस्ट के काम को आपने फेसबुक पे भी पोस्ट कर देना है, ठीक है, वहां से भी पैसे ले लेने हैं, और इसी काम को उठा के आपने YouTube पे भी लगा देना है। YouTube से भी आपको रोजाना के बासानी 15 20 25 डॉलर्स मिला करेंगे, और Facebook से भी आपको रोजाना के बासानी 25 30 डॉलर्स मिला करेंगे। जो वीडियो के शुरू में आपको सबूत दिखाया था ना कि रोजाना के कैसे मैं यहाँ से $30 35 20 डॉलर बासानी कमा रहा हूँ, सारा काम क्या है कैसे करना है मुकम्मल आपको इसी वीडियो में मैं सिखा दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। राणा साहब आपको तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं। मेहनत आपने सिर्फ एक दफा करनी है, कॉपी पेस्ट का काम सिर्फ एक दफा कर लेना है, और यही काम करके आपने दो जगह से पैसे कमाने हैं, फेसबुक से भी और यूट्यूब से भी। यानी कहते हैं ना कि एक तीर से आपने अब दो निशाने लगाया करने हैं। काम बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान काम है, ठीक है। इसमें ना तो आप लोगों ने खुद सामने आना, ना आपके पास कोई कैमरा होना चाहिए, मोबाइल कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सिंपल कॉपी पेस्ट का काम है, बस वीडियो को ध्यान से देख लेना है। पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, काम को समझिएगा, उसके बाद काम करना शुरू कीजिएगा। सारा कुछ आपको इसी वीडियो में मैं सिखा दूंगा, और ये सारा काम आप अपने मोबाइल फोन से भी आसानी कर सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो को पूरा देख के समझिएगा, ठीक है। फिर बाद में कंप्लेन ना करना कि सर हमें इस बात की समझ नहीं आई। चले किसी बात की समझ ना भी है, परेशान नहीं होना, नीचे कमेंट है यहाँ पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी मर्जी है, ठीक है, वीडियो को देख ले। अगर आपको लगे कि मैंने आपके साथ ऑथेंटिक और ओरिजिनल आइडिया शेयर किया है कि वाकई इससे अर्निंग होती है, ठीक है, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उन लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको लगता है कि यार ये बंदा इस तरह की मेहनत करके पैसे कमा सकता है। और इंशाल्लाह आपको यकीन हो जाएगा कि इस चैनल के ऊपर आपको रियल ऑथेंटिक आइडियाज बताए जाते हैं। ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए कोई पक्की चूर नहीं बेचा जाता कि यहाँ क्लिक करो इतने पैसे कमाओ, वहाँ क्लिक करो इतने पैसे कमाओ, ऐसा नहीं है, ओरिजिनल तरीका बताया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने सबसे पहले तो गूगल के ऊपर आ जाना, बेशक मोबाइल फोन या लैपटॉप है आपके पास। उसके बाद गूगल में यहाँ पे सर्च में आके आप लोगों ने लिखना है बीबीसी उर्दू, ठीक हो गया, दुनिया की नंबर वन की वेबसाइट है बीबीसी, और पाकिस्तान में यानी उर्दू में भी आपको यहाँ पे खबरें मिल जाती है। जोन सा पहला लिंक आपके सामने आएगा bbcurdu.com, ठीक है, इस पे क्लिक करके आप लोगों ने वेबसाइट को ओपन कर लेना है। लेकिन अगर मुश्किल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, इसी वीडियो के जरिए भी आप लोग यहाँ पे वेबसाइट पे आ सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट के ऊपर आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा, यहाँ पे आपको न्यूज मिल जाएगी, पाकिस्तान की लेटेस्ट न्यूज हर लिहाज से उर्दू में मिलेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग न्यूज भी आपको मिल जाती है। अब आप लोगों ने क्या करना, आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पर किसी भी न्यूज ओपन कर लेना है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे सामने न्यूज आ रही है, नवाबों की पसंदीदा स्वीट डिश मटंजन का आगाज कैसे हुआ, क्योंकि आज का लोग खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, तो इसलिए मैं इस वाली वीडियो, ये जो मेरे सामने न्यूज है ना, इस न्यूज को क्लिक करके मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखिए मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है, ठीक है, यानी सारी इन्होंने बातें यहाँ पे ना उर्दू में लिखी हुई है। ये देखिये यहाँ से सारा इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो शुरू हो रही है उर्दू में, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ तक है, ठीक है, फिर उसके बाद फोटो आ गया, फिर ये नीचे सारे इसकी न्यूज़ आपको ऐसे नजर आ जाएगी, ठीक है। अब जो हमारा काम है, वो काम आप लोगों ने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान काम है। अभी जरा काम को ध्यान से समझे, साथ शुरू नहीं करना, पूरा काम को समझ ले फिर शुरू कीजिएगा। अच्छा, अब ये देखिए आपको पता चलेगा ये किस बारे में है, मटंजन के बारे में है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को आप लोगों ने उठा देना, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको यहीं से कॉपी करता हूँ,
हूँ ये शुमाली इंडिया, यहाँ से लेकर ना मैं इसको यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अगर लैपटॉप कंप्यूटर से कर लिया आपने, ऐसे सिलेक्ट करके ना राइट क्लिक करना, कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, मोबाइल से करना दबा कर रखिए कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको किसी भी फाइल में सेव कर लेना, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पे जाकर नोट पैड में सेव कर लेता हूँ, ठीक है, खाली अपनी याद दहाने के लिए, ठीक है। ये जिसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, आ गया ना सारा कुछ। अब ये एक काम हो गया, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना आप लोगों ने, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अच्छा एक और बता दो कि यहाँ पे आप जो सी मर्जी खबर को उठा लें, बस आपने देखना खबर इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, जो आपको लगता है कि लोग सुनेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे सामने एक और ये खबर आई हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपके बच्चे को स्मार्टफोन का नशा लग गया है, ठीक है। ये तो वाकई बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हर बंदा इसको सुनता है, ठीक है, कि आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो इसी तरह इसको भी ओपन करके मैं सारे को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे मतंजन के हवाले से, ठीक है। तो जैसे इसको यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, अब हमने आ जाना है सीधा गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आके आपने उसी चीज की तस्वीरें निकाल लेने, जैसे वहां पे मतंजन था, सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मतंजन, ठीक होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फूड के खाना ना, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे आके मैं इमेज पे टिक करूंगा और देखिये मेरे सामने कितनी ज्यादा इसकी तस्वीरें आ जाएंगी, सारी मतंजन की ही आएंगी। अगर आप किसी पर्सन के बारे में वहां से कहानी उठाइए तो आप उस पर्सन का नाम लिखे, जैसे इमरान खान है या नवाज शरीफ है या कोई भी है, ठीक है, आपको उन सब की यहाँ पे तस्वीरें मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, यहाँ से ना 10-12 तस्वीरों को डाउनलोड कर लेना, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मेरे सामने ये है, इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया, फोटो ओपन हो गया, इसको राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे सेव करके इसको ओपन कर लूंगा, ठीक है। आपने ध्यान करना जो सी फोटो आपने उठानी है उसमें किसी तरह का लोगो वगैरह ना हो, जैसे ये है ना इसमें कुछ लिखा हुआ, तो ये वाली फोटो हमारे काम की नहीं है। आपने प्लेन सादी फोटो उठानी, जैसे ये है ना, ये देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये फोटो मेरे काम की है। 10-12 फोटोज आपके लिए काफी होंगे, इनको आप लोगों ने ऐसे ही डाउनलोड कर लेना। दूसरा काम हो गया। अब आपका तीसरा काम किया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसीजर में, आपने जोन सा टेक्स्ट यहाँ पे सेव किया हुआ ना, ठीक है, कहानी है, इस सारे को आपने वॉइस में कन्वर्ट करना, यानी आपने इसको ऊपर से देख के पढ़ना खुद, ठीक है, या जो उर्दू अच्छी पढ़ सकता है घर में कोई भी है, दोस्त है, भाई बहन जो भी है, आप उनसे बोले इसको अच्छा सा ना जरा प्रोनाउंस कर दे, पढ़ दे, ठीक है। उसका आसान तरीका यह है कि व्हाट्सएप पे जाके ना, ठीक है, किसी की चैट या इवन अपनी चैट को आप लोग ओपन कर ले, ठीक है। जैसे ये देखिए मैंने चैट को यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है, आपके सामने की बात है। चैट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना, सिंपल ये वॉइस मैसेज का ऑप्शन होता है, ठीक है, इस पर टिक करके ना इसको आपने ऐसे ओपन कर देना, ठीक है। जैसे करेंगे देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, साथ साथ जो आप बोलेंगे ना रिकॉर्ड होता रहेगा, मैसेज को आपने खुद को सेंड कर लेना। फिर सिंपल आपने इसको जाकर ऐसे राइट क्लिक करना, यहाँ पे आपके सामने सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये आपने वॉइस को भी सेव कर लिया। अभी तक हमने तीन काम कर लिए। पहला काम हमने क्या किया, हमने जाके गूगल से जाके स्टोरी को निकाला बीबीसी उर्दू से जाकर, ठीक है, ये। फिर उसके बाद हमने गूगल से अगर तस्वीरें निकाल के डाउनलोड कर लिया। तीसरा काम हमने वॉइस ओवर कर लिया। अब चौथा और सबसे लास्ट काम, वो आप लोगों ने क्या करना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ना इन तमाम फोटो को और उसकी वॉइस को मिला देना। आपने कोई भी वीडियो एडिटर ओपन कर लेना जहां पे हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वीडियो एडिटिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे गूगल पे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर मौजूद है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन हम जहां से एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कैपकट है और काफी क्लाई वीडियो वगैरह। लेकिन ऑनलाइन करने में एक इस चीज का मसला आता है कि आप लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एडिटिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। वरना आसान तरीका प्ले स्टोर पे जाएं, अगर मोबाइल पे कर रहे हैं वहां से आप इनशॉट को डाउनलोड कर ले, इनशॉट फ्री में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिर बेशक आपके पास इंटरनेट नहीं भी है ना, तब भी आप लोग एडिटिंग कर सकेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फिल्मोरा ओपन किया हुआ, तरीका सारा सेम होता है, मैं आपको फिल्मोरा पे बता देता हूँ, ठीक है, और वही तरीका आप इनशॉट पे जाकर किसी भी ऑनलाइन एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आगे अब यहाँ पे मैंने वो सारी तस्वीरें और वॉइस यहाँ पे लेके आनी है। ये देखिए फ्रेंड्स सारी तस्वीरें मैंने यहाँ पे अपलोड कर ली। सिंपल तरीका होता है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंपोर्ट के बटन पर टिक करें, जाके आपको बता देगा तस्वीरें कहाँ से आपने यहाँ पे सारी तस्वीरें ले आनी है जो उस डिश की आपने की होंगी, ठीक है। अब दूसरा काम मैंने क्या करना, मैंने इन तस्वीरों को यहाँ पे नीचे ला के सेव करते जाना, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, उससे पहले बता दो कि आपने यहाँ पे ना वीडियो की कुछ सेटिंग करनी होती है, वो क्या करनी होती है, आपको ना ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो सेटिंग का, ठीक है, उस पर आपने टिक कर लेना। यहाँ पे होगा चेंज एस्पेक्ट रेशियो वगैरह, ठीक हो गया, प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशियो, इस पर आप लोगों ने टिक करना होता है, आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे ना आपने आके इंस्टाग्राम या टिकटॉक, इन दोनों को चूज कर लेना, ठीक है। जैसे मिसाल पे मैं यहाँ पे आके इंस्टाग्राम को चूज कर लेता हूँ, ठीक है, करने के बाद मैंने ओके कर देना है। अब क्या होगा, आपकी जो है ये इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। अब सारी तस्वीरों को आपने ऐसे यहाँ
पे नीचे लगा देना होता है, जैसे देखना ऐसे आपकी फोटो बन जाएगी। ठीक है, ये एक पिक्चर को लगाया मैंने, ठीक है, इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया, फिर दूसरी को मैंने इसके आगे लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके फिर इसी तरह यहाँ पे यानी हमने सारी तस्वीरों को ऐड करते जाना आगे पीछे करके। ये दूसरी को मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसको थोड़ा लंबा कर दिया, फिर ऐसे तीसरी को लगा दिया, इसको हमने थोड़ा सा लंबा कर दिया। कि आपने एक मिनट से छोटी वीडियो बनाने, कोई ज्यादा लंबी यहाँ पे वीडियो हमने नहीं बनाने, ठीक है, इस बात का आप लोगों ने ख्याल करना, वीडियो आपकी एक मिनट से कम ही होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ये लगी यहाँ तक ताकि तकरीबन मेरा ये बन जाते हैं 40-45 सेकंड बन जाते हैं, समझ आ गई बात की। ये ले अब इतनी सी सारी तस्वीरें लगा ली हैं, अब दूसरा काम नीचे हमने वॉइस को ऐड करना है। जोन सी वॉइस आपने व्हाट्सएप से सेव की होगी ना, उसी को आपने यहाँ पे नीचे लगा देना, या एक और आसान तरीका होता है, जो भी आप एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, वहां पे आपको इस तरह माइक का निशान मिल जाएगा। ठीक है, माइक के निशान पे आपने टिक करना है, टिक करने के बाद आप यहाँ पे लाइव बोलते जाएंगे, आपकी सेविंग होती रहेगी। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने इस पर टिक किया, ये मुझे कह रहा है कि टाइमर है, ठीक है, मैं यहाँ पे ओके के बटन पे टिक करता हूँ, ये वाला जो है ना रेड मैच पे टिक करूंगा ताकि मेरी यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। वॉइस ओवर करना, अभी जैसे खत्म होगा मैं बोलना शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप मतंजन कैसे बना सकते हैं, जो कि शाही डिश है, बादशाहों की बहुत पसंदीदा डिश ये वाली डिश रह चुकी है, ठीक है, बड़े सगीर पाको हिंद में। ये देखे फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किया और मेरी लाइव यहाँ पे नीचे वॉइस आ चुकी है, ऐसी बात है ना, यहाँ तक आई है। अब अगर मैं प्ले करके आपको सुनाऊं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप मतंजन कैसे बना सकते हैं, जो कि शाही डिश है, बादशाहों की बहुत पसंदीदा डिश ये वाली डिश रह चुकी है, ठीक है। ये देखा साथ इस्लाम की फोटो भी यहाँ पे चेंज होती रहेगी, आप इसको एक मिनट तक लंबा करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी होगी ना वो वॉइस वो वीडियो के साथ साथ चलती रहेगी, वो बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, मजीद बता दूं कि एडिटिंग के हवाले से डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, कि आप प्रोफेशनल एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई कार्ड में, ठीक है, क्लिक करके वीडियो को देख लें या मेरे चैनल को ओपन करेंगे वहां आपको वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे अभी मैं डिटेल में वीडियो नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके हवाले से अलग वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप कर लेंगे पूरी वॉइस आपने कर लेनी है, फोटोज के बराबर फोटो आप ज्यादा चूज कर ले, 10, 12, 15, 20 जो आपके लिए ईजी हो, ठीक है। करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे आ जाना, एक्सपोर्ट का बटन है, इस पर आपने टिक कर देना है, ठीक है। आपने इसको आपके एक्सपोर्ट करना तो फाइल आपके कंप्यूटर या मोबाइल लैपटॉप में सेव हो जाएगी। देखिये फाइल कितनी जल्दी से यहाँ पे सेव हो रही है। जैसे फाइल आपकी सेव हो जाएगी, मैं आपको बता देता हूं कि आपने फेसबुक पे और फेसबुक के साथ यूट्यूब पे इसी एक वीडियो को अपलोड करके आप यहां से कितने डॉलर कमा सकते हैं, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया, रोजाना के 15-20 डॉलर तकरीबन, रोजाना के आपको 6-7 हजार बसानी मिल जाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आपने अपनी फेसबुक पे आ जाना, ठीक है। फेसबुक का आपका पेज होना चाहिए लाजमी, पेज फ्री में बनता है, अगर आपको पेज बनाना नहीं आता फिर भी परेशानी हो रहा, मेरे चैनल को ओपन करना, वहां पर आपको बेशुमार वीडियोज मिल जाएंगे फेसबुक का पेज बनाने के हवाले से, ठीक है। आपने वीडियोज को देखे अपना पेज बना लेना, ऊपर आई कार्ड में भी लिंक क्लिक कर जाकर वीडियो को देख लें। आपने सिंपल यहाँ पे आकर टिक करना है क्रिएट रील के ऊपर, ठीक है। जोन सी आपने वीडियो बनाई है उस वीडियो को आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, बहुत आसान तरीका है उसका। उसके लिए आपने यहाँ पे ऐड वीडियो के ऊपर टिक करना है, टिक करने के बाद आप लोगों की जोन सी भी वो फाइल होगी, वीडियो आपने सेव की होगी, ठीक है, उसको आप लोगों ने ऐसे चूज कर लेना, ठीक है। ये देखे वीडियो आपकी यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगी, इस तरह आपकी यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताएंगे की आप मतंजन कैसे बना, वॉइस बंद कर दो, ये देखे मेरी वीडियो यहाँ पे अपलोडिंग होना शुरू हो चुकी है। मजे की बात है कि ये वीडियो आपने एक जगह अपलोड नहीं करनी, इसको आपने फेसबुक पे करना है, साथ ही ये देखे ये वाली मेरी इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट हो जाएगी, क्योंकि रील है, ठीक है, तो इस तरह की शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाती है। जैसे यहाँ पे हो जाएगी, सिंपल तरीके आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे बस आप लोगों ने क्या इसके हवाले से हैश टैग यूज कर देना, जैसे आपने हैश लगा देना, आपने आगे लिख देना पाकिस्तानी फूड, ठीक हो गया, यानी विदाउट स्पेस यहाँ पे हैशटैग आते हैं, लिखिए आप एंटर। ये देखिए कितने ज्यादा आपको सजेशन मिल गए हैं, टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा हैशटैग यूज कर ले, आप कर सकते हैं मतंजन, ठीक हो गया, यानी आपसे ने इससे मुतलका हैशटैग यूज करने है। करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे टिक कर देना है, ठीक है। दोबारा देखिए आपको पूछा कि वीडियो ओके है, मैं कहता हूँ जी ओके है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो इसका स्केड्यूल करके टाइम लगा दे कि 15 अगस्त को इस टाइम जाके पोस्ट हो जाए, मैं कहता हूँ 3 बजे हो, मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, उसके सामने 0 लिखूंगा, पूरे 3 बजे पोस्ट हो जाएगी वीडियो। आपने अपनी ऑडियंस के मुताबिक पोस्ट करनी होती है, वो भी बता दो कि शाम का 7 बजे का टाइम बेहतरीन है फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब के लिए। अच्छा, दूसरा भी आपको बता दो कि इस वीडियो को आपने यूट्यूब पे भी साथ ही पोस्ट कर देना है, ठीक है। आपने एक जगह से पैसे नहीं कमाने, आपने एक ये 2-4 मिनट की मेहनत करके ना आपने यूट्यूब फेसबुक इंस्टा से भी पैसे कमाने हैं। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे लाइव के
यूट्यूब से मेरे एक चैनल से कितनी मेरी अर्निंग हो रही है आपके सामने है, ठीक है। ये देखिए एस्टिमेटेड रेवेन्यू अगर आपको नजर आ रहा हो, कोई फोटो नहीं है, ओरिजिनल दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं मेरे माउस के साथ ही मेरी जो अर्निंग है वो यहाँ पे मूव भी हो रही है। देखिए जरा ये मुझे मिला कभी $16, ठीक है, उसके बाद कभी $14 कभी, और ये देखिए मुझे यानी $36 भी मिले हुए हैं यहाँ से, ठीक है। इसी तरह ये छोटी छोटी वीडियोज बना के फेसबुक पे भी अर्निंग कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी आप लोग अपलोड करके इसी तरह की वीडियोज को यूट्यूब पे अपलोड करें और आप वहां से भी अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं। डेली बेस पे मुझे $20 मिल रहे हैं, $20, ठीक है, $21, $16, $34, $35 एक दिन के, $30 का मतलब है तकरीबन ₹9,000 एक दिन के, ठीक है। आप लोगों के सामने की बात है, लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ, यानी आपने मेहनत करनी है। अब यूट्यूब पे कैसे अपलोडिंग करनी है, यूट्यूब का चैनल कैसे बनाना, सारा कुछ आपको बता देता हूँ। इसके हवाले से डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, पूरा कोर्स आपने क्या करना, मेरे चैनल को ओपन करना है, जाकर वहां पर देख ले, वरना आपको यहाँ पे आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा क्रिएट यूट्यूब चैनल, टिक करे। मुकम्मल मैंने प्रोसीजर समझा दिया कि आप लोग कैसे यूट्यूब रील्स के जरिए, यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए भी आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, बस आपने मेहनत करनी है जी। दोस्तों जब आपने एक वीडियो कैसे बना लेना है, सिंपल आसान सा तरीका, ठीक है, फेसबुक पे अपलोड करें, यूट्यूब पे अपलोड करें। अब यहाँ पे कामयाब होने की सिर्फ एक ही चाबी है, एक ही नुस्खा है, वो ये है कि मुसलसल आपने डेली का एक घंटे लगा के डेली की एक वीडियो आपने अपलोड लाजमी क्या करनी है। वीडियो तो आपकी 15-20 मिनट में बन जाया करेगी, आपने डेली की अपलोड करनी है और बहुत ही जल्द जैसे ही आपकी मोनिटाइजेशन हो जाएगी दोनों जगह, फेसबुक भी और यूट्यूब के ऊपर भी, आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। महीना दो महीने आपको मेहनत पड़ेगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द जैसे ही फेसबुक के मुताबिक आपके 1000 फॉलोअर हो जाएंगे ना, पिछले 60 दिनों में आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर यूट्यूब के फार्मूले के मुताबिक आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और वॉच टाइम या इनके कुछ शॉर्ट्स के व्यूज हैं, ठीक है, 1 मिलियन है, 10 मिलियन है, ठीक है। अब शॉर्ट्स को अपलोड करते रहना, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कहां से आपके व्यूज आ रहे हैं, यहां पे कोई लोगों को सर्च करने से शॉर्ट सामने नहीं आते हैं, बंदों ने ऐसे करना आपका शॉर्ट उसके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब बंदों ने ऐसे करना फेसबुक के ऊपर आपकी रील उसके सामने आ जाएगी, बस आपकी मेहनत होनी चाहिए डेली की आपने अपलोड करनी है और पक्के दिल और मेहनत के साथ शुरू करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबियां जरूर मिलेंगी, ठीक है। अगर मैं कमा सकता हूं, बाकी दुनिया यहां से कमा रही है, तो आप लोग भी कमा सकेंगे, बस मेहनत करनी है, मेहनत करो, उसका अजर आपको अल्लाह ताला की जात जरूर देती है। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। उन कोर्सेज में हम यूट्यूब का कोर्स, यूट्यूब एसईओ मुकम्मल कोर्स, ठीक है, ब्लॉगिंग की एसईओ वगैरह, ब्लॉगिंग और यूट्यूब से पैसे कमाना, फेसबुक से पैसे कमाना, फाइबर, बहुत ज्यादा कोर्सेज करवाए जाते हैं। ये नंबर है, यहाँ पे रब्ता करके आप लोग मजीद मालूमात ले सकते हैं। अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे के निशान को ऑन कर देना है ताकि फ्यूचर में आपको संग अच्छी वीडियोस मिलती रहे। और ये भी बता दो कि इन दिनों बहुत ज्यादा चोर राणा साहब की वीडियोस को चोरी करके ना अपने चैनल पे पेजेस पे लगा रहे, फिर वहां से लोगों के साथ स्कैम कर जाते हैं, आपने उनसे बचना है। एक ही तरीका, यहाँ पे आपको मेरी सारी आईडी शो हो रही है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इन सबके लिंक मिलेंगे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर मुझे हर जगह फॉलो कर लें ताकि आपको हर जगह मेरी ही वीडियो मेरे ही चैनल के ऊपर मिले, आपके साथ कभी स्कैम फ्रॉड ना हो सके, ठीक है। मजीद यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ भी आप मुझसे कन्फर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राणा साहब को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।